ये है पेंटिंग जो कि दिवाली पर कल शॉपिंग करने गए थे तो मम्मी ने लेकर आई। ये विराज क्या करा? काजू कतली बढ़िया लग रही ना तुम्हें? अच्छी लग रही है। इसे दोनों को लगा लेंगे। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रहे हमारे कान्हा जी, ये बैठे हुए सोना बाबू। ये देखो ये अभी अभी लगाई मैंने, और ये मम्मी। और आप गोविंद भाई टेकने जा रहे हैं एक और सीनरी। मम्मी बना रही हैं नाश्ता। क्या बना रही मम्मी? पराठे। ओहो पराठे बन रहे हैं, पराठे। ये रखी चाय, और ये रही मॉम। इधर मैं भी हूँ, अपने नए फ़ोन की डिलीवरी रिकॉर्डिंग का पूरा बेनिफिट उठाता हुआ। ये देखिए कान्हा जी खाना खा रहे हैं, इधर विराज खाना खा रहा है। हाँ जी, तो हमने लड़ी लगा ली है घर की। जैसे कि आपको पता है धनतेरस से लड़ी कर लग चुकी थी। ब्लॉग आज से शुरू कर रहा हूँ, दिन में आपने देखा शॉपिंग जो करके लाए थे उस सामान को, अब देखिए लड़ी हमारे घर की। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ देखिए कैसी लग रही हैं। अभी रह रही है यहाँ, अभी लड़ी लगानी है यहाँ लगानी है, और अभी ये फ्रंट पे लग गई है मकान के पूरे। तो जल्दी से बस अभी मार्केट जाएंगे मम्मी यार, उसके बाद लड़ी लगाएंगे सारी जगह जो बची हुई है। बाकी आपको अंदर का दिखाऊंगा पूरा तैयार होने के बाद कि घर पे हमने डेकोरेशन अंदर कैसे की है। ये खड़ी है बिजू भैया की बाइक, ये हमारा गेट खुला, ये कर्टन उठे, और अब चलो भाग के। लेट्स गो। और हम पहुँच चुके ऊपर, एंड ये देखिए दो दो शैतान। बिजू भाई हेलो, दादी भाई हेलो, कैसे हो? तो चलिए अब चलते हैं मार्केट, और मार्केट चलने के बाद देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करके लाते हैं आज। तो जी अब चलते हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए, और मिठाई वगैरह लानी थी तो वो लेने चलते हैं। और ये रहा विराज, तो ये आ गई मॉम माता। अब जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, और भाई ये बैठा हुआ मेरा डिस्कस कर रहा है यहाँ पर कि मैं अपने नए मोबाइल का कवर ले लूं, पर अभी इस बारे में कोई मूड नहीं है। जी अब चल दिए हैं हम मिठाई लेने के लिए, और रुड़की में काफ़ी फेमस शॉप है। रुड़की में जो लोग रुड़की आसपास से, मैंने बताया होगा सिंधी स्वीट्स, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पर स्वीट्स लेने के लिए। भाई साहब ये रहे, विराज बाबू ये रहे, मैं ये रहा, और माता जी ये रही। तो ये हम पहुँचने वाले हैं बस कुछ क्षणों दूर, और यहाँ पर हो रहा है किसी के आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। तो यहाँ पर हो रही है जागरण की तैयारी, और ये आ चुके हैं हम सिंधी स्वीट्स पर। मिठाई तो बड़ी बड़ी बेहतरीन बेहतरीन रखी हैं, पर देखना है जो हमें चाहिए वो मिठाई यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि हमारे घर में मावे की मिठाई बहुत कम खाई जाती है, तो इसीलिए देखते हैं। और देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कि मिठाई कितनी मस्त मस्त है। ये बिजू भाई, और ये देखिए मिठाई, लड्डू वगैरह बहुत अच्छी मिठाई मिलती है यहाँ पर, सबसे अच्छी मिठाई मिलती है रुड़की के अंदर यहाँ पर, यहाँ और प्रकाश स्वीट्स है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि मिठाई मिल गई या नहीं। पहली शॉप पे गए थे, मिठाई पसंद नहीं आई थी, काफ़ी अच्छी पर जो चाहिए वो नहीं मिली। तो जब नहीं मिली तो फिर दूसरी जगह चलते हैं। तो अब चलते हैं हमारे रुड़की के MLA प्रदीप बत्रा जी की स्वीट शॉप प्रकाश पर, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। विधायक जी मिठाई अच्छी लगी हो? तो चलिए चलते हैं। और ये रहा विराज, विराज बोल लो कुछ। विराज तो भी टेंशन में है भाई, विराज के मुंह से काला रसगुल्ला तत्ता रहेगा, इसलिए विराज टेंशन में है। जी हाँ, तो बहनों और भाइयों अब चलते हैं प्रकाश स्वीट्स पर, और आपको दिखाते हैं आज की तरोताजा मिठाई। कैमरामैन शुभम के साथ संवाददाता भी शुभम, और बने रहिए घर वाला फन पर।
और ये देखिए आगे जा रही है गाड़ी जिसमें है तीन टिग्गे। और ये देख सकते हैं प्रकाश शूट आ गया है। ये देखिए वो है प्रकाश, वो दिख रहा है, देखिए हमारे एमएलए साहब का फोटो लग रहा है यहाँ पर। और मैं घुसा था कि कोई बात नहीं, अरे कार्ड ले भाई। ये है प्रकाश स्वीट्स और घर वाले डिसाइड कर रहे हैं मिठाई वगैरह। मैं आपको इतना शॉप का टूर करवा देता हूँ। अरे बड़ी ज़बरदस्त शॉप है भाई, मिली ना? भाई साहब इस पंजी रसगुल्लों में क्या बता रहे हो, खत्म। कौन से स्पंजी जी? जैसी तो मिलेंगे ही नहीं। हम ले ले लो ना, ये वाले वे सही होंगे। हां तो ले ले क्या, सही होंगे भाई। भी रहने दो, ये तो ये ले लो। आधा किलो और आधा किलो ब्लैक ले ले। आधा किलो ये, आधा किलो ब्लैक, आधा किलो रस। वो पता नहीं चल रहा है। देखिए गाइस, गाइस देखिए मिठाई। अरे इस आदमी को देखिए, नहीं इन्हें रसगुल्ला खा लिया। ये हमारे घर का अब्दुल रोजिक। तो जी मिठाई ले ली है और अब जा रहे हैं और डेकोरेशन का कुछ सामान लेने के लिए। यार ड्यूल रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे नीचे में, सामने जो रोड चल रही है उसका फीचर। एंड ये रहा विजू भाई शैतान मुंडा अपना, और ये रहे भाई साहब। ये सामने आप देख सकते हैं कि दिवाली की तैयारी किस तरीके से चल रही है। मार्केट में भीड़ बहुत है भैया, बहुत है। मुझे रामनगर में बहुत पब्लिक रहती है गाइस। तो जी और ये देखिए हमारा रामनगर राम द्वार बना हुआ है। ये देख बुलबुल कितने प्यारे, दो ले लेना ये रूम उसके। ना ना ये फट जाएंगे, नहीं तो ड्राइंग रूम में लगाऊंगा आराम से अच्छी तरह। ना ना ये फट जाएंगे, गाड़ी में बैठती हूं। ये देखिए शॉप्स, अब सामने देख रहे हैं आप लोग शॉप्स किस तरीके से लगी हुई है, सीट्स की, डेकोरेशन की, हर चीज की। ये है सामने देख रहे होंगे आप जो है शिव मंदिर, इस वाइट गाड़ी से आगे जो आपको दिख रहा है। ये देखिए डेकोरेशन। सो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा, आपको ये पसंद आ रहा होगा। आपको ये पसंद आ रहा होगा, ये है शिव मंदिर, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगेगा। और ये असली में अच्छा है। वैसे भी असली में अच्छा है, काफी अच्छा लगता है देखने में। एंड तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही यूनिक लगे। एंड और वो देख सकते हैं आगे आपको एक और मंदिर दिखेगा। ये देखिए ये डेकोरेशंस की शॉप्स। अरे वाह क्या गजब गजब की दुकान लगी है भैया। गाइस सामने एक और मंदिर है, ये सामने देख रहे हैं ये शनिदेव जी का मंदिर है, ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये वाला। हाँ। ये है ये। और ये है शनिश्चर और ये है शनिश्चर के पापा इसका सही नाम सनी है कितनी अच्छी बात। विजू भैया को लग गई थी भूख तो वो बनवा रहे हैं वेज कबाब और बर्गर, तो जल्दी से कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत देर से मार्केट में घूम रहे हैं तो भूख लग भी गई है, तो जल्दी मिलते हैं। देखिए कितनी गर्म तेल है भाई, जल जाएंगे। तो ये वेज कबाब है और खा लेते हैं, फिर जल्दी से आप लोगों से मिलते हैं खाते खाते। कबाब में, वेज कबाब में निचोड़ा नींबू, और अब आएगा खाने का मज़ा क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। और ये देखिए मम्मी, ये कंटिन्यू चल रहा है मामला खाने पीने का।
तो जल्दी से हम खा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, और क्योंकि अभी शॉपिंग भी बहुत सारी करनी है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये भी चुप भाई भाई वगैरह भी सब खा रहे हैं वहाँ उस तरफ खड़े हुए बैंड कबाब में। आया हूँ विराज का बर्गर लेने के लिए क्योंकि बहुत देर हो गई, विराज का बर्गर नहीं आया और विराज होने लगा है परेशान। तो जल्दी से विराज का बर्गर ले लेते हैं और खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये तैयार हो रहा है विराज का बर्गर, टिक्की हो चुकी और बर्गर लेकर फिर मिलते हैं। विराज जी का और मयूर की ड्रेस खरीद रही मम्मी। हम मेनली इसी शॉप से ही सारी ड्रेस खरीदते हैं और आप देखिए कितना सुंदर है ड्रेस का, मज़ा आ जाता है। तो रुड़की आसपास, मतलब रुड़की में जो भी कोई राधा कृष्णा की लड्डू गोपाल की ड्रेस खरीदना चाहे तो देखिए कितनी अच्छी वैरायटीज़ हैं, और हम अक्सर यहीं से कपड़े खरीदते हैं। और ये भाई साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, रामनगर में इनकी शॉप है। और अब चलते हैं, अभी भी डेकोरेशन का बहुत सारा अभी भी डेकोरेशन का सामान दे रहा है तो उसे लेकर फिर चलते हैं घर। मम्मी अक्सर शॉप जो है वो हर शॉप बड़ी शॉप की जगह छोटी शॉप जो होती है वहाँ से करती हैं, जो सबका त्यौहार अच्छे से बन जाए। और अब देखिए मम्मी साइड में एक अंकल ने शॉप लगाई हुई थी, वहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं फूलों की माला की। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी शॉप से आप लोगों को भी शॉपिंग करनी चाहिए। क्या नाम आपका? टिंकू। पढ़ाई नहीं करते तो भैया जी आपने देख लिया सारी मार्केट की शॉपिंग, और लगभग अब बच चुके हैं 9:45 बजने वाले हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर, ये विराज ने नया टिफ़िन लिया है और अब हम जा रहे हैं घर, वो आपको सामने दिख ही रहा होगा, फिर वही ड्यूल रिकॉर्डिंग एंड बाकी सब ये बैठे हुए। तो अब घर चले जाते हैं और घर जाकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। भैया रिक्शा वाले हट जा। कोई बात नहीं, इनका घुसना जायज है, ठीक है। तो अब चलते हैं घर और घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं, और सावधान रहे मित्रों, अपना ख्याल रखें मित्रों।